हाय, मैं हूँ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्लूइड लेता हूँ और फ्लूइड को दो लेयर्स के बीच में लेता हूँ, मतलब नीचे एक लेता हूँ प्लेट और ऊपर एक लेता हूँ प्लेट। नीचे वाले प्लेट को मैं फिक्स कर देता हूँ और ऊपर वाले प्लेट को मैं आगे की ओर मूव कराऊंगा। इसे फिक्स करके इसे मैं आगे की ओर मूव करवाऊंगा। तो होगा क्या कि ऊपर वाले के पास कुछ सर्टन वेलोसिटी से अगर वो करेगा मूव यू से, तो वो जब मूव करेगा तो इन लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स होगा। और विस्कस फोर्स होगा तो एक तरीके का वो रेसिस्टिंग फोर्स होगा, जैसे कि फ्रिक्शन एक रेसिस्टिंग फोर्स है, उसी तरीके का विस्कोसिटी भी एक रेसिस्टिंग टाइप का ही फोर्स होता है। तो जब ये ऊपर वाला लेयर आगे की ओर मूव करना चाहेगा तो ये जो फ्लूइड लेयर्स है, उस जिसकी फ्लूइड के जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो विस्कस फोर्स होगा वो उन्हें अपोज करेगा, मतलब उल्ट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। जैसे कि फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में एक्ट होता है, उसी टाइप का यहाँ पे भी उल्टे डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस एक्ट होगा लेयर्स के बीच में, ताकि उसे अपोज कर सके। ठीक है, तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो कहता है कि ये जो इन लेयर्स के बीच में जो ये शियर स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, वो जो चीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा। मतलब कि हम अगर सर्टन डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, फिर मूव किए तो कुछ वेलोसिटी हुआ, फिर मूव किए तो कुछ और वेलोसिटी बढ़ा, फिर मूव किया और बढ़ा, फाइनली यू हो गया। मतलब इस वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब वेलोसिटी का चेंज किसी भी डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब ये जो शियर स्ट्रेस इन लेयर्स के बीच में जो एक्ट हो रहा है, उसे हम लोग मैथमेटिकल टर्म में वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द लेयर्स डिवाइडेड अपॉन इस लेंथ के अक्रॉस जो चेंज हो रहा है वो। तो यू माइनस जीरो अपॉन एल, यहाँ था यू इस लेयर में था जीरो और इस लेंथ के अक्रॉस चेंज हो रहा है, ये है ना, तो एल। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू म्यू। कोई जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम लोग इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं, तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ हमने म्यू से मल्टीप्लाई किया इनटू यू बाय एल जो इनिशियली था। तो ये जो म्यू है वो होता है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो चीज़ मैंने फाइंड किया वो चीज़ एक सर्टन एल लेंथ के लिए किया, सर्टन यू वेलोसिटी के लिए किया। अब कोई हमें पूछ दे कि फ्लूइड लेयर्स के बीच में बताओ, बहुत सारे फ्लूइड लेयर्स होता है ऐसे ऐसे पतला पतला, तो इनके बीच में बोले कोई स्मॉल डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस तो यहाँ पे हमको बताओ ये लॉ। तो उस चीज़ के लिए जब ये सर्टन लेंथ के लिए है, इतना बड़ा लेंथ के लिए मैंने फाइंड किया, तो स्मॉल लेंथ के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं वैसे कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू। अगर हम लोग स्मॉल चेंज देखेंगे डी यू में, तो डी यू है ना, इसमें स्मॉल चेंज देखेंगे वेलोसिटी का डी यू, और स्मॉल लेंथ में देखेंगे तो डी एल, तो म्यू इंटू डी यू बाई डी एल। हमने स्मॉल लेंथ ले लिया एल और उसके अक्रॉस स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड अपन स्मॉल लेंथ। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मैथमेटिकल टर्म्स में इस तरीके से लिखते हैं। और उसका स्टेटमेंट जो होता है वो होता है कि शियर स्ट्रेस बिटवीन द टू लेयर्स, शियर स्ट्रेस बिटवीन द टू लेयर्स, बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर्स, मतलब एक के बाद जो दूसरा लेयर है, इज़ डायरेक्टली शियर स्ट्रेस बिटवीन द टू लेयर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स। मतलब इन लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट होगा, मतलब डी यू बाई डी एल अगर ये स्मॉल लेयर है तो, अगर बहुत बड़ा लेयर है तो यू बाई एल जो भी होगा इसका लेंथ और इसका जो वेलोसिटी होगा चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं इसका। अब ये जो चीज़ है यू बाय एल, इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसे हम लोग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी कहते हैं।
तो इस ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का भी डेरिवेशन है, इसका मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया कि इस चीज़ को कैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से लाया जाता है, और उससे भी कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कन्वर्ट में, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में सब्सटीट्यूट किया जाता है इसमें। तो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।